सो गाइस, ये रहा मेरा हेलमेट जो किया था स्टीलबर्ड की तरफ से। इसका पूरा नाम है स्टीलबर्ड टर्मिनेटर और मैंने इसको परचेज़ किया होता है अमेजोन से अराउंड 2000 रुपये का। और इसको लिए हुए मेरे को हो गया अराउंड 6-7 महीने हो गए। तो मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि ये हेलमेट कैसा है और कैसा रहेगा आप अगर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हो या फिर शॉर्ट ट्रिप ही मान लो। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इसकी वेंटिलेशन के ऊपर। तो वेंटिलेशन के लिए इसमें बहुत सारे एयर इनटेक दिए हैं, जैसे कि एक रहा इनटेक ये वाला जो कि यहाँ से ओपन होता है, एंड देन गाइस एक इनटेक यहाँ पे रहा। यहाँ पे फिलहाल मैंने माउंट लगाया हुआ है तो यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे भी एयर इनटेक का है थोड़ा। एंड बात करें पीछे की तरफ के, तो पीछे की तरफ भी आपको बहुत सारे एयर इनटेक दिए हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड बाकी यहाँ भी दिए हुए हैं दो दो, पर शायद इनसे एयर पास होती है। एंड पीछे की तरफ से इसका लुक एकदम मस्त आता गाइस देखो, एंड साइड से लुक तो और ही ज़्यादा खतरनाक आता है। बट गाइस, इसमें अगर ब्लैक कलर का बाइजर लगाया हो तब इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और इसका मिरर ओपन करने का यहाँ से बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से दबा के इसका मिरर ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे मैंने गाइस माउंट लगा के रखा हुआ है जो कि अभी मैंने करंटली परचेज़ किया हुआ था। इसको भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। एंड अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में। एंड बाकी तो हेलमेट का गाइस रिव्यू करूँ तो हेलमेट अभी तक सही रहा वैसे, बस आपको थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह से बचा के रखना पड़ेगा। स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, जैसे पीछे पिलियन बैठा हो तो यहाँ पे पिलियन के हेलमेट से थोड़ा रगड़ वगैरह लग जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखे होंगे आपको, ये देखो स्क्रैचेस, एंड यहाँ पे भी रही है, ये देखो दिख रहे हैं दो। तो बस उन्हीं से बचाना है आपको। एंड बाकी तो गाइस हेलमेट एकदम ओपी है। एंड यहाँ पे देखो दो रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि नाइट टाइम में पीछे से कोई गाड़ी आ रही हुई तो ये रिफ्लेक्टर उस टाइम चमक के दिखाई देते हैं, तो पता चल जाता है पीछे वाले बंदे को कि आगे कोई है बाइकर। एंड यहाँ पे मैंने हेलमेट के अंदर यहाँ पे ईयरफोन लगाए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे फ़ोन मॉनिटर करता हूँ तब मैं ईयरफोन को इससे कनेक्ट कर देता हूँ और ब्लॉगिंग करने में हेल्प करते हैं ये। एंड फ्रंट से तो इसका लुक कुछ ज़्यादा खास नहीं है गाइस, बट मेरे ओपिनियन से तो ज़्यादा खास लुक नहीं है फ्रंट से, बट साइड वाइज इसकी लुक बहुत अच्छी है। एंड पीछे से देखो तो पीछे से बहुत मस्त है। एंड इसको मैंने लिया हुआ था रेड कलर में, एंड इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप किसी भी कलर का परचेज कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर बाइक। बाकी गाइस हेलमेट तो एक नंबर है, बहुत अच्छा हेलमेट है, आप भी इसे ले सकते हैं बेफिक्र होकर अगर आपका बजट 2000 तक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।